Hey everybody, welcome back to our new channel Rajbir All In One. तो guys, ये चैनल हमने बनाया बातचीत करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए और ब्लॉग्स और बहुत सारी वाइंस के लिए. तो आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो ये है कि मेरे भाई, तुम जो हो ना वो खुद अपने आप में एक सेलिब्रिटी हो. तो मैं मेरे एक दो किस्से सुनाने जा रहा हूँ और आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि बहुत दिनों से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ अपने फिटनेस चैनल के इनबॉक्स के अंदर कि सर, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, हमें आपसे मिलना है, प्लीज़ नंबर दे दीजिए, प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए. कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं कुछ बच्चे, और फिर ये बोलते हैं कि सर प्लीज़ इस पे दिल बना दीजिए. मतलब जो हम कमेंट लाइक करते हैं, यूट्यूबर्स जो कमेंट लाइक करते हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स के कमेंट बॉक्स में भी ऐसे कमेंट्स देखता हूँ कि सर प्लीज़ हमें रिप्लाई कर दीजिए, प्लीज़ आपसे मिलना है, प्लीज़ 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 प्लीज़. तो भाई ये जो इतना प्लीज़ है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है. किसी भी सेलिब्रिटी के पीछे भागना बंद कर दो, हर इंसान की इज्जत करो. अब हम जो यूट्यूबर से हमारी इज्जत करनी है तो करो, लेकिन हमारे पीछे इतने पागल मत हो. किसी भी फिल्म स्टार के पीछे, किसी भी स्टार के पीछे पागल मत हो. आप खुद अपने आप में एक सेलिब्रिटी हो. आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आपकी खुद की इज्जत है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं है. आप दूसरों के पीछे से गिड़गिड़ाते हो, सर नंबर दे दो, हमें बात करनी है. तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टार हैं आपकी नज़र में, कोई भी है, चाहे शाहरुख खान है, चाहे सलमान खान है, चाहे कोई भी आपका फेवरेट यूट्यूबर है, आप मुझे जैसे मैसेज करते हो, तो कोई भी जो स्टार है ना वो इंसान है. हर इंसान के, हर स्टार के पास दो आँख, दो हाथ, दो पैर, जैसे तुम्हें भगवान ने दिए वैसे हर इंसान को दिए. वो लोग स्टार क्यों हैं और आप लोग उनके पीछे भाग क्यों रहे हो? क्योंकि हर इंसान को ना भगवान ने टैलेंट दिया है. उस टैलेंट को शाहरुख खान ने पहचान लिया, सलमान खान ने पहचान लिया, सचिन तेंदुलकर ने पहचान लिया, विराट कोहली ने पहचान लिया, हम लोगों ने पहचान लिया कि हम बोलते अच्छा हैं, हम फिटनेस में अच्छा कर सकते हैं. तो हमने पहचान लिया और हम उस चीज़ के पीछे लग गए. तो आप लोग हमें प्यार देना शुरू हो गए, जैसे आप लोग बोलते हो हम फैंस हैं, अब फैंस बन गए. तो कोई भी इंसान कुछ भी काम कर रहा है वो अपने टैलेंट से अपने लिए कर रहा है. मूवी स्टार ने मूवी बनाई, रिलीज की, उसका पैसा उसको मिला, हम एंटरटेन हुए, दैट्स इट. क्रिकेटर ने क्रिकेट खेला, मैच जिताया, उसको पैसा मिला, वो अपने घर. हम खामा खामे पागल हो रहे हैं प्लीज़ 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 करके. तो मेरे सारे छोटे भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो पागल हो जाते हैं ना, आप खुद अपने आप में एक स्टार हैं. आपकी कोई भी हॉबी है, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे वो एक्टर बनना हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी हो, हमारी ज़िंदगी जो है ना, मतलब एक नॉर्मल इंसान कितनी ज़िंदगी जीता है अगर बीमार नहीं है? 80-90 साल हम जी लेते हैं. जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती ना, उसके बाद किसी भी चीज़ में आप 2-2.5-3 साल की तपस्या करके देखें. ये टाइम 2-3 साल का देखें. अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो भी, अगर आप किसी हॉबी के पीछे पड़े हैं तो भी. सपोज़ मैं यूट्यूबर बनना चाहता था और मैं यूट्यूबर बनने के लिए मैंने बहुत मेहनत की. 1 साल हुआ है सिर्फ, 5 लाख सब्सक्राइबर है फिटनेस चैनल पर, यहाँ भी आप लोग इतना प्यार देते हो. तो वो जब मैं उसके पीछे पागल हुआ तो 1 साल मुझे डेडिकेशन के साथ देना पड़ा. तो वो टाइम आपको भी देना पड़ेगा. और मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, आप किसी भी चीज़ के पीछे, चाहे आपको IAS बनना है, चाहे आपको वकील बनना है, चाहे कुछ भी बनना है, 2-2.5 साल का टाइम, या आप कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं उस बिज़नेस के अंदर 2-2.5 साल का टाइम, आप सारी दुनिया से अलग होकर वो टाइम अपने हॉबी में, अपने पैशन में, अपने प्रोफेशन में दे दीजिए. देन आप देखेंगे 2-3 साल की मेहनत करके ही आपके पास वो मुकाम आ जाएगा. जिन लोगों के पीछे आप भागते थे वो लोग आपको नाम से पहचानेंगे. अब एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, ये जहाँ मैं बैठा हूँ ना इस जिम का नाम है वेलोसिटी जिम. आप में भी और बहुत सारे लोगों को ये लगता है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे भी सबको ये लगता है कि इस जिम का मालिक मैं हूँ. लेकिन इस जिम का मालिक मैं नहीं हूँ, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है. लॉकडाउन में सारे जिम्स बंद हैं, चाबी मेरे पास है, उसने मुझे दी हुई है कि सील हो जाए तो हो जाए, तुझे वर्कआउट करना है कर, नहीं करना मत कर, चाबी तू रख. मैं वो बंदा दिल्ली का है, चाबी मेरे पास है, एक तरह से मालिक ही मैं हूँ, जो मेरे बिल्कुल ख़ास फ्रेंड का जिम है. और इस जिम की जो इनॉग्रेशन की थी ना साहिल खान जी को, सारे लोग जानते हो जो हमारे, अगर विश्वास ना हो रहा हो तो आप देख लीजिएगा, वेलोसिटी जिम है, मैं दिखा दूंगा, साहिल भाई घूम रहे हैं. इसकी जो इनॉग्रेशन की थी, जो ओपनिंग की थी ना इसकी, इस जिम की, वो साहिल खान ने की थी, साहिल भाई ने की थी. तो मेरे जो जिम का जो मेरा दोस्त है ना, उसका मुझे कॉल आया कि साहिल भाई आ रहे हैं और तू भी आ जा, हम तुझे साहिल भाई से मिलवाएंगे, तू कोई व्लॉग बना ले, फ़ोटोज़ खिंचा ले, तू भी फिटनेस से जुड़ा हुआ बंदा है, तेरे काम आएंगे, तेरी हाइप बनेगी, इंस्टाग्राम पे लोग देखेंगे कि तू साहिल खान को जानता है, और यूट्यूब पे तुझे लोग देखेंगे कि तू साहिल खान के साथ खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवा रहा है. मैं नहीं आया. और ये जो जिम है ना, मेरे घर से 2 गली पीछे है, बहुत भीड़ आई, हज़ारों में लोग आए, साहिल भाई की शर्ट फट गई, पैंट की पॉकेट फाड़ दी, इतनी भीड़ आई थी. लेकिन मुझे
ये जो ओनर हैं जिनके, ये मुझे अलग से मिलवा सकते थे, लेकिन मैं नहीं आया। क्यों? बिकॉज मैं ऐसा नहीं कि मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बहुत छोटा सा था तब से उनको देख रहा हूँ, स्टाइल मूवी से देख रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मैं भी छोटा मोटा फ़ैन हुई उनका, लेकिन मुझे नहीं मिलना था। क्यों? क्योंकि वो मिलना क्या मिलना जो आप हज़ारों की भीड़ में मिल रहे हो किसी इंसान से। मैंने उसको बोला जिस दिन मिलूँगा ना ऐसे मिलूँगा कि साहिल भाई को पता होगा राजवीर सिसोदिया कौन है। अगर मैं आके मिल लेता और मैं कहता हाय सर मैं एक छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, एक सेल्फी खिंचा लेता, तो उससे क्या हो जाता? कुछ भी नहीं हो जाता। तो उस पागलपन का फ़ायदा क्या? अगर मिलना ही है तो खुद उतनी मेहनत करो, खुद अपना वो स्टेटस बनाओ कि सामने वाला इंसान जो स्टार है, जो तुम जिसके तुम फ़ैन हो, वो तुम्हें नाम से जाने कि हाँ ये कोई बंदा राजवीर सिसोदिया है। साहिल भाई जिस दिन जानेंगे मेरे साथ बैठेंगे कि ये बंदा राजवीर सिसोदिया, उस दिन मैं उनसे मिलूंगा, उस दिन मेरा मिलना सफल होगा, उस दिन मुझे समझ में आएगा हाँ मिल रहा हूँ। दूसरी चीज़, मैंने आपको एक वीडियो में हिमांशु से मिलवाया था, मेरा दोस्त है पहाड़ी, वो सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू करता है, सलमान खान, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, आपको फोटोज़ दिख रहे होंगे। कहाँ करता है? नोएडा फिल्म सिटी में, सेक्टर 16, मेरे घर से आधे घंटे का रास्ता है। ऑफिस में ये लोग आते हैं अपने प्रमोशन के लिए। न्यूज़ 24 का ही एक पार्ट है E24, जिसमें कि एंटरटेनमेंट की सारी न्यूज़ होती हैं। तो ये जो पहाड़ी है मेरा जो दोस्त है, ये क्या करता है, सारे स्टार्स जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं अपनी मूवीज़ के प्रमोशन के लिए जब E24 के ऑफिस में आते हैं नोएडा, तो ये उनके इंटरव्यू करता है। जब जब कोई स्टार आया है इस पहाड़ी का, मुझे हमेशा कॉल आया, भाई आज शाहरुख खान आ रहा है तू आ जा तुझे मिलवा देता हूँ, आज सलमान खान आ रहा है तू आ जा तुझे मिलवा देता हूँ, आज प्रियंका चोपड़ा आई है, करीना कपूर आई है, दीपिका पादुकोण आई है। मैं कभी नहीं गया, इसलिए नहीं कि मेरे अंदर कोई एटीट्यूड है या मेरे अंदर कोई ईगो है, कि इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मिलने का फ़ायदा क्या है। जिस दिन मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊँगा ये लोग मुझे मेरे नाम से जानेंगे तो मैं मिलूँगा, वरना ऐसे मिलने का और ना मिलने का वो एक ही चीज़ है। साथ में गए, भीड़ में जाके फोटो खिंचा ली, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये कोई एटीट्यूड नहीं है मेरा। सलमान खान का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, शाहरुख खान का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन मैं भीड़ में जाके फ़ोटो नहीं खिंचाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ काम करूँ पहले कि ये लोग मेरे नाम से जाने, और ज़िंदगी में ऐसा काम कुछ कर पाया तो अच्छी बात है, नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, वो अपने घर खुश है, मैं अपने घर खुश हूँ। वो लोग मूवीज़ बनाते हैं हमें एंटरटेन करने के लिए, हम मूवी देखते हैं एंटरटेन होने के लिए। उन्होंने मूवी बनाई, उन्होंने पैसा कमाया, हम जाके मूवी देख के हम एंटरटेन हुए, बात खत्म। अब मैं पागलों की तरह सलमान खान को मैसेज लिखूं, सर मैं एक बार मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें, यार तुम्हें पता है ना मैं तुम लोगों को एक फैमिली की तरह देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है तुम सब मेरे छोटे भाई हो। तो जब तुम मुझे ही ऐसे मैसेज करते हो ना, मैं दो चारों के रिप्लाई भी कर देता हूँ, दो चारों के नहीं कर पाता हूँ, तो आधे लोग गुस्सा भी होते हैं, साला खामा खामे भाव चढ़े हुए। तो भाई भाव तो तुम लोग चढ़ा रहे हो ना, क्या औकात है मेरी? 5 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पर, दैट्स इट, कोई स्टार तो नहीं हूँ मैं। लेकिन आप जब मुझे ऐसे मैसेजेस भेजोगे, सर प्लीज़ मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, नंबर दे दीजिए, प्लीज़ मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ एक बार रिप्लाई कर दीजिए, प्लीज़ एक बार वीडियो कॉल पर आ जाइए, तो ये ऑटोमेटिकली, खैर मेरे तो नहीं चढ़ते हैं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, लेकिन बहुत से लोगों के भाव चढ़ जाते हैं इस चीज़ से कि मैं पता नहीं कौन सी तोप हूँ, मैंने पता नहीं क्या कर दिया, और लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरी झलक देखने को तरस रहे हैं। तो उनको एरोगेंट आप बनाते हो। यही रीज़न है कि आधे लोग जो डिज़र्व भी नहीं करते, उन लोगों के अंदर इतना ज़्यादा एरोगेंस आ जाता है, इतनी ज़्यादा ईगो आ जाती है। तो बिना वजह हम लोग बनाते हैं, आप लोग बनाते हो। तो किसी के भी मैसेज में ऐसे गिड़गिड़ाना नहीं है, मुझे ऐसे लगता है मेरे छोटे भाई गिड़गिड़ा रहे हैं किसी और के सामने। तो ये चीज़ नहीं करनी है, इज्जत करो, लोगों से सीखो। अब मैं एक यूट्यूबर हूँ, फिटनेस यूट्यूबर हूँ, दूसरा चैनल जो है मेरा फिटनेस यूट्यूब का, राजवीर फिटनेस सीरीज, वहाँ मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, उसका मुझे यूट्यूब पैसा देता है। अगर आप नहीं भी देखोगे ना तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा, मुझे मतलब नहीं है आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, क्योंकि मुझे YouTube पैसा दे रहा है। मैंने वीडियो बनाया, मैंने हार्डवर्क किया, उसका YouTube ने मुझे पैसा दिया। आपने अगर मेरे वीडियोस देखे तो आपने कुछ सीखा, मेरे वीडियोस से आपने कुछ सीखा और आपको उससे नॉलेज मिली, तो दोनों का फ़ायदा हुआ ना। बी प्रैक्टिकल, मैंने वीडियोज़ बनाए, मुझे पैसा मिला, आपने वीडियोज़ देखे, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली, आपको मोटिवेशन मिला, दैट्स इट। आपके लिए मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। जो मैं कर रहा हूँ उसका मुझे पैसा मिल रहा है ना, तो उसमें फ़ैन होने वाली कौन सी बात है कि भैया हम तो आपके फ़ैन हैं, एक बार मिल लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है यार, ये चीज़ मत किया करो। एटलीस्ट जो लोग मुझे देखते हैं, ऐसा काम करो कि तू कोई भी कुछ भी कर सकता है। हर इंसान के अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ है, हर इंसान के अंदर एक ज़िद्दी इंसान छुपा हुआ है, उसको पहचानने की देर है। अब हो सकता है कि आप में से कोई मुझे मैसेज ही कर रहा है और मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, या मैं नहीं दे पा रहा हूँ किसी वजह से, जेनुअनली मैं बिज़ी हूँ, लेकिन हो सकता है आप में से कल को कोई बंदा जिद पकड़ के बैठ जाए मुझे सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, और आप अच्छे यूट्यूबर बन जाओ, ऑटोमेटिकली मेरी नज़र आपके ऊपर पड़ेगी।
आप जिस दिन मुझे मैसेज करोगे मेरे बराबर आके, उस दिन मैं भाग के आपको रिप्लाई करूंगा। उस लेवल पे तो आओ। मेरे को अगर आज मैं 20 मिलियन वाले किसी यूट्यूबर को मैसेज करूंगा तो वो मुझे रिप्लाई नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? उसके 20 मिलियन सब्सक्राइबर है, मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर है, तो नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन मैं 20 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर जाऊंगा और उस दिन मैं किसी 20 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर को मैसेज करूंगा, भाग के रिप्लाई आएगा। हर यूट्यूबर मेरे साथ बैठना चाहेगा, मिलके कोलैबोरेशन करना चाहेगा। तो यही आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया है और ये चैनल ही स्पेशली इसलिए बनाया है कि मैं अपनी कुछ आदतें आपको दे पाऊँ और लाइफ में जो कुछ मैंने सीखा है आपको समझा पाऊँ। तो आई होप आगे से चमचा नहीं बनना है किसी यूट्यूबर का, किसी स्टार का, किसी को भगवान नहीं मानना है। अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लो, खुद मेहनत करूंगा, खुद उस लेवल पे जाऊंगा, चाहे वो राजवीर सिसोदिया हो, चाहे वो साहिल खान हो, चाहे सलमान खान, चाहे शाहरुख खान, कोई भी हो, उस लेवल पे जाके। नवाजुद्दीन सिद्दीकी था, वो सारे लोगों को मैसेज करता कि सर मैं आपका फ़ैन हूँ, सलमान खान, शाहरुख खान, आप मुझे प्लीज़ काम दे दो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कोई रिप्लाई करता, कोई नहीं करता। उस बंदे ने बहुत अच्छी हाइट नहीं है, बहुत अच्छी शक्ल नहीं है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, फिर भी इतनी मेहनत करी। आज हर सुपरस्टार के साथ उसकी मूवीज़ में काम कर रहा है, तो उसकी मेहनत है। हर बंदा उसको नाम से जानता है, हर सुपरस्टार उसको नाम से जानता है। तो ये चीज़ आपने करनी है, ये चीज़ मैंने करनी है। हमको अपना लेवल बनाना है, दूसरे के लेवल को देखे कुछ नहीं होना है कि इसके साथ सेल्फी ले लूँगा तो मेरा लेवल बन जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई, इससे कुछ नहीं होता। अपना लेवल बनाओ, मेहनत करो, हर इंसान आपको आपके नाम से जाने, तब फ़ायदा है किसी के साथ बैठने का, फ़ोटो खिंचाने का। तो आई होप मेरे बुद्धू भाइयों आपको कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ ये चीज़ मत किया कीजिए किसी के भी साथ, किसी भी यूट्यूबर को। सर प्लीज़ 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 नहीं करना है। एक आध मैसेज करो, रिप्लाई आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर्स जेन्युइनली भी बिजी होते हैं, नहीं रिप्लाई कर पाते। अब ये नहीं कि उनको गाली देनी शुरू कर दो, रिप्लाई आया तो ठीक है भाई। अगर आप हमें, आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आप अगर हमें रिप्लाई दोगे तो भी हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमें रिप्लाई नहीं दोगे तो भी हम आपकी इज्जत करते हैं। दैट्स इट। तो आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। यार प्लीज़ मत करना ये चीज़। जो लोग मुझे देखते हैं एटलीस्ट वो मत करना। किसी का चमचा नहीं बनना है, किसी के पीछे पीछे नहीं घूमना है। इज्जत सबकी करो, ज्ञान सबसे लो, सबसे एंटरटेन हो, लेकिन चमचा किसी का नहीं बनना है। किसी से के आगे गिड़गिड़ाना नहीं है, क्योंकि हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, जो हमारी खुद की ईगो है, वो दुनिया में सबसे ऊपर है। हम खुद में, अपने आप में हम एक सेलिब्रिटी हैं यार, हम क्यों किसी के पीछे भागे। तो गाइस यही था वीडियो, थैंक यू सो मच। आई होप कुछ समझ में आया होगा। घूचू हो आगे से मत करना किसी को मैसेज। लव यू ऑल, फिर मिलते रहेंगे ऐसी वीडियोज़ में। इसके ऊपर बहुत सारे ब्लॉग्स बनाऊंगा, वाइंस बनाने वालों के साथ। तो ऐसे ही अगर आपको कुछ पूछना है मेरी लाइफ से रिलेटेड, आप कुछ सीखना चाहते हो कोई भी है, तो नीचे कमेंट करो किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि फिटनेस चैनल पे ये सब वीडियोज़ बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, दैट्स वाई चैनल बनाया। तो आपको कुछ भी पूछना है या कुछ भी सीख लेना चाहते हो या मेरी लाइफ से कुछ मोटिवेशन चाहते हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, बनाऊंगा आगे भी वीडियो। लव यू ऑल, मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना टक्कर में। बाय।